Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read class 11 Computer Science with Python chapter 4, that is Introduction to Problem Solving. Okay, so let us start. Before starting, channel mein agar aap naye hai to channel ko subscribe kar le, niche bell icon press kar le for the new upcoming video from Technical Asif YouTube channel. Theek hai, chapter ka naam hai aapka इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है कि अगर कोई प्रोग्राम है, मीन्स आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप किस तरह से, कितने टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स आप यूज़ करोगे उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, क्या स्टेप्स फॉलो करोगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में मेनली उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को फोकस किया जो एग्जाम में लास्ट ईयर आ चुका है और जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए विदाउट लेट लेट अस स्टार्ट. प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल सबसे पहला टॉपिक है. क्या है इसमें, क्या करते हैं हम लोग, वी आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं. जो भी हमारे पास प्रॉब्लम, मान लो एडिशन ऑफ टू प्रोग्राम है, तो उसमें क्या वेरिएबल्स लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा एडिशन के लिए, इसको हम लोग फर्स्ट स्टेप में करते हैं. देन इन द सेकेंड स्टेप फाइंड इट्स सॉल्यूशन. फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन को ढूंढने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस या वी डेवलप एन एल्गोरिदम ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम लोग डिज़ाइन भी बोलते हैं. हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा. थर्ड में कोड द सॉल्यूशन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब अब डिज़ाइनिंग हो गया, डिज़ाइनिंग के बाद अब हम उसमें क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं. ठीक है, कि मीन्स पूरा सेंटेक्स जो भी प्रोग्राम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगेगा, उसको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको हम कोडिंग बोलते हैं. ठीक है, जैसे आप एचटीएमएल में कोडिंग करते हैं, दैट लाइक दैट यहाँ पे आपका पाइथन में प्रोग्रामिंग का कोडिंग होता है. टेस्ट एंड डीबग. टेस्ट मीन्स टेस्टिंग द प्रॉब्लम वेदर इट कंटेंस एरर्स और नॉट, और डीबग का मतलब होता है टू रिमूव एरर फाउंड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसमें कुछ एरर फाउंड होता है, तो उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग डीबग बोलते हैं. ठीक है, तो आपका फोर्थ स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल का, दैट इज टेस्ट एंड डीबग द कोडेड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग टेस्टिंग भी बोलते हैं. चार स्टेप हो गए यहाँ पे, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग आर द फोर सिंपल स्टेप फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आ चुका है लास्ट ईयर, डिकम्पोजिशन क्या होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. कोई बड़ा या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको हम क्या करते हैं, इनटू अ सेट ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम या सब प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं. मतलब बड़ा प्रॉब्लम को क्या करते हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम में उसको डिवाइड कर देते हैं. क्यों करते हैं, टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम और सिचुएशन बेटर. इसलिए करते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को, अगर बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेंगे, तब जो छोटा छोटा जो स्मॉलर प्रॉब्लम है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है, हाँ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंटू स्मॉलर सब प्रोसेस, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन. ठीक है, एकदम ईजी सा डिफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए. एल्गोरिदम क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. एल्गोरिदम में क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है ना, तो उसमें हम लोग कितना नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें एल्गोरिदम में हम लोग लिखते हैं. ये सिंपल स्टेप में अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हो, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं. सेट ऑफ रूल दैट डिफाइंस हाउ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. कितना नंबर ऑफ स्टेप्स के फॉर्म में आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, दैट इज नोन एज एल्गोरिदम. ठीक है, जैसे आपको दो नंबर का एडिशन करना, तो इनपुट ए नंबर वन नंबर टू, फिर क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, ऐड ए प्लस बी या नंबर वन प्लस नंबर टू, और फिर क्या करोगे, पेंट करोगे ऐड को. ठीक है, तो ये आपका एल्गोरिदम होगा तीन या चार स्टेप्स. Means it is a process of solving a problem in a finite number of steps. Characteristics क्या होता है algorithm का, precision, uniqueness, finiteness, input, output. These are the different characteristics. अगर आता है तो आप दो तीन characteristics पढ़ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कंपोनेंट्स algorithm का, एक इनपुट हम लोग को लेना पड़ता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, तीसरा आपका आउटपुट होता है.
input, process or output. Okay. इनपुट का मतलब क्या है? द इनपुट्स एंड द टाइप ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिदम. एल्गोरिदम में जो रिक्वायर हो उस हिसाब से हम लोग इनपुट का यूज करते हैं. द इनपुट्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय यूजर और कैन बी सेल्फ कंटेंट टू सच एज रीडिंग फ्रॉम अ फाइल. एंड प्रोसेसिंग इज व्हाट एंड हाउ द प्रोसेसिंग वुड यूज इनपुट टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट. क्या प्रोसेसिंग आप करोगे कि वो डिजायर्ड आउटपुट आ जाए. और आउटपुट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एल्गोरिदम. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द algorithm is known as, ठीक है. तो one must be able to identify where input processing and outputs are taking place within an algorithm. ये आपको करना. अब next है flow chart. ये बहुत ज़्यादा important है, very very important. इस topic को आप पढ़ के जाना exam में. last year इससे भी question है. flow chart क्या होता है? It is a pictorial representation of step by step solution of a problem. pictorial है ना, रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है. मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फ्लो चार्ट्स में डेफिनेशन भी पूछता है, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे. फ्लो चार्ट का सिंबल्स होता है, मतलब सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व. जैसे आपको देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला जो सिंबल है ये एलिप्स का सिंबल है और ये फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है. उसी तरह सेकेंड वाला आपका पैरेललोग्राम है. ये आपका फ्लो चार्ट में किसी भी इनपुट और आउटपुट अगर आपको लेना है तो उसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम सिंबल का यूज करते हैं. उसी तरह रेक्टेंगल है. ये रेक्टेंगल किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है. जहाँ पे प्रोसेस, जैसे सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है. या सब्सट्रैक्ट इक्वल टू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई इक्वल टू ए इंटू बी, है ना. तो जहाँ प्रोसेसिंग होगा तो वहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल वाला सिंबल लेंगे. और डायमंड बॉक्स कब यूज़ होता है? डायमंड बॉक्स तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को डिसीजन लेना होता है. डिसीजन मेकिंग के केस में हम लोग, जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इन दैट केस वी यूज़ डिसीजन बॉक्स. फिर ये एरो जो सिंबल है इसका यूज़ हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं. वन इनपुट टू अनदर. मीन्स कहने का मतलब हुआ एक सिंबल से दूसरे सिंबल में जब मूव करते हैं तो उसके लिए हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल यूज़ करते हैं. देन ये एनोटेशंस का यूज़ करेंगे हम लोग प्रोग्राम में. और ये कनेक्टर, ठीक है. तो कभी कभी एग्जाम में मैचिंग भी दे देता है इस तरह से और लिख देगा स्टार्ट स्टॉप इनपुट आउटपुट, तो आप ये जरूर पढ़ के जाओ. मैचिंग मिलाने भी दे सकता है आपको सिंबल बनाकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर. दो नंबर को ऐड करना, उसका फ्लो चार्ट बनाना. तो सबसे पहले स्टार्ट आप करोगे इलिप्स से. अब रीड नंबर वन, रीड नंबर टू, एन वन एन टू से मैंने रिप्रेजेंट किया. पैरेललोग्राम होता है इनपुट के लिए, देखो रीड के लिए पैरेललोग्राम लिए. अब सम इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, देखिए आपका प्रोसेसिंग हो गया तो यहाँ रेक्टेंगल वाला बॉक्स आ गया. फिर यहाँ पे आउटपुट प्रिंट एस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम है. फिर स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप के लिए एलिप्स होता है, ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये इनपुट हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, सेकेंड वाला भी इनपुट. अब यहाँ पर ये क्या हुआ, आपका प्रोसेसिंग हो गया. फिर यहाँ पे ये आउटपुट है, तो ये आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम. और ये तो एलिप्स होगा ही, एलिप्स से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको. अगर एल्गोरिदम पूछेगा लिखने के लिए तो स्टार्ट लेंगे, गेट टू नंबर्स एन वन एंड एन टू, फिर एन वन प्लस एन टू को एरो दे के लेफ्ट साइड इस तरह एस में स्टोर कर देंगे. प्रिंट द रिजल्ट एस, स्टॉप. ये एल्गोरिदम से सॉल्व भी हुआ है और लेफ्ट साइड में जो मैंने दिखाया है ये आपका फ्लो चार्ट के थ्रू. ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो स्टार्ट हम लोग कर लिए फिलिप से, इनपुट वैल्यू लेंथ और ब्रेथ एल भी कर दिए. प्रोसेसिंग होगा एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, तो देखिए रेक्टेंगल यूज किए. पेरीमीटर इक्वल टू टू इंटू एल प्लस बी, देखिए यहाँ रेक्टेंगल यूज किए हैं. और फिर पैरेललोग्राम से प्रिंट एरिया कॉमा पेरीमीटर, पैरेललोग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट किया. नीचे आपका लास्ट जो है वो स्टॉप होगा, जो स्टॉप आपका छिपा हुआ है आपका दिखा सकते हैं आप, ठीक है. यहाँ पर आपका लास्ट में जो है इधर साइड में बता दे रहा हूँ, नीचे में इस तरह से गोल एलिप्स करके नीचे आप स्टॉप दे दो, ठीक है. इसके अंदर आपको क्या लिख देना है, स्टॉप. नीचे कट जा रहा है इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है. नीचे में एरो देके आपको यहाँ पे स्टॉप लिख दे रहा हूँ, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग. ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन द लार्जर ऑफ टू नंबर्स
अब दो नंबर के भी फिलहाल ढूंढना है, तो यहाँ डिसीजन लेना है। तो स्टार्ट करें पैरेललोग्राम ए बी को रीड किए, डिसीजन बॉक्स लेना पड़ा क्यों आप सबको पता ही, क्योंकि डिसीजन लेना है तो डिसीजन बॉक्स चाहिए। ए इज़ ग्रेटर दैन, अगर ए बी से बड़ा हुआ यस होगा तो प्रिंट ए को कर देंगे पैरेललोग्राम में, नहीं हुआ तो प्रिंट बी को कर देंगे और दोनों को स्टॉप से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये फ्लो चार्ट बनाते हैं। और फ्लो चार्ट को मैं बनाकर बोर्ड में दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैंने सिंपल बेसिक्स बता दिया इस चैप्टर का, ठीक है, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। और ये बना के आपको दिखाऊंगा, मतलब लाइव बनाऊंगा और आप उसको देखो कैसे बनता है। व्हाट इज सीडो कोड, ये भी एग्जाम में पूछता है। इट इज़ एन इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। मीन्स एक इनफॉर्मल तरीके से जब हम किसी प्रोग्राम्स के स्टेप्स को सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को, ठीक है, जहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स यूज करने का जरूरत नहीं है, जैसे लिखा है विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। सिंपल वे में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो उसको सीडो कोड बोलते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ ए प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई रन, पूछा है एग्जाम में बहुत बार। ड्राई रन इज द प्रोसेस ऑफ ए प्रोग्रामर मैनुअली वर्किंग थ्रू देयर कोड टू ट्रेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इसका कहने का मतलब क्या है, ड्राई रन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रोग्राम का आप क्या कर सकते हैं, आप उसका पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो वन प्लस टू इस कितना हो गया थ्री, तो अब सम का कितना रिजल्ट आया, सम का रिजल्ट आया थ्री, तो ये पूरा जो वेरीफाई करते हैं प्रोसेस को थ्रू आउट देयर कोड, पूरे कोड में मूव करते हैं अपने से ड्राई रन के, ना कि सिस्टम के थ्रू, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग ड्राई रन बोलते हैं। ठीक है, कोड टू ट्रेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब जो भी वैल्यू होगा वेरिएबल का उसको आप ट्रेस करिए। जैसे सम इक्वल टू आपका अगर ए और बी में, ए में वन है बी में टू है, तो सम इक्वल टू कितना आएगा थ्री, क्योंकि ए में वन था बी में टू था, तो ऑब्वियसली सम का वैल्यू कितना आएगा थ्री आएगा। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। देयर इज नो सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कोई सॉफ्टवेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, किसमें, ड्राई रन के केस में। ठीक है, नाउ व्हाट इज टेस्टिंग एंड डीबगिंग, ये भी पूछता है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम। सिंपली आपको याद रखना कि किसी प्रोग्राम में एरर फाइंड करने के प्रोसेस को टेस्टिंग बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम। और डीबगिंग मतलब है प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स, अब उसी एरर को अगर आप करेक्ट कर रहे हैं फाउंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस को डीबगिंग। डीबगिंग मीन्स टू रिमूव एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम, और टेस्टिंग मीन्स फाइंडिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम। ठीक, टेस्टिंग मीन्स फाइंडिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम, डीबगिंग मीन्स करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम, फ्रॉम द प्रोग्राम इन द प्रोग्राम। ठीक है, डीबगिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स फाउंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। नेम द टू कॉमन टूल्स फॉर डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम डेवलप करने के लिए दो टूल कौन सा है, एक फ्लो चार्ट है और दूसरा क्या है आपका, सीडो कोड है। मेंशन द स्टेप यू वुड फॉलो व्हाइल राइटिंग ए प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हो तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझोगे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल, देन एनालाइज करोगे प्रॉब्लम को, देन प्रॉब्लम को डिजाइन करोगे, फिर कोडिंग करोगे प्रॉब्लम को, ठीक है, कोड द प्रॉब्लम, देन टेस्ट एंड डीबग। टेस्ट का मतलब मैंने बताया, डीबग का भी बताया, टेस्ट मतलब प्रोग्राम को टेस्ट करना, एरर को टेस्ट करना, डीबग मतलब टू रिमूव एरर, और फिर कंप्लीट क्लियरिंग डॉक्यूमेंटेशन को, देन मेंटेन करेंगे प्रॉब्लम को। दिस इज द ओवरऑल स्टेप्स हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ टू स्टेप यू शुड फॉलो व्हाइल राइटिंग ए। ये पूरा क्वेश्चंस जो है मैंने करवा दिया, मतलब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास 11 का मैंने बता दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ और क्वेश्चंस जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं सॉल्व करूंगा लाइव, तो उसको आप देख लेना नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे या और आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर लाइक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।